झड़ बा बात्यारे परिणत होइछि। असानी एबे घंटा प्रति 13 किलोमीटर बेगरे आगकु बढ़ुछि। वर्तमान दक्षिण पूर्व दिगकु गति करबा सहित पुरी ठारु 900 किलोमीटर दूरे रहिछि। असानी आसंता 10 तारीख अपराह्न जाए उपकूल आड़े गति करिवो, परे 10 तारीख संध्यारे एहा दिग परिवर्तन करी उत्तर पश्चिम बंगोपसागर आड़े मुहाइबो। यार प्रभावरे 10-12 तारीख राज्य में वर्षा हेबो। एही तीन दिन हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबारे आकलन करा जाइछि। 10 तारीख में गंजाम गजपति और पुरी में वर्षा होबार आशंका रही। 11 तारीख में कटक जगतसिंहपुर गंजाम गजपति और पुरी एवं 12 तारीख में पुरी कटक जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक बालेश्वर जिले में वर्षा होबो बोली आकलन करिछि पाणिपाग विभाग। ए समय 11-12 तारीख में ओडिशा उपकूलवर्ती जिले में 40-50 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबो। या सहित समय समय रे झटका पवन 60 किलोमीटर घंटा प्रति छुई पारे। या को नजर रखी ओडिशार 4 बंदर में विपद संकेत जारी करा जाइछि। अभी का जो वेदर अपडेट है, साइक्लोनिक स्टर्म अश्विनी आज सुबह 11:30 आवर्स IST में लोकेशन था साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पर। इसका सेंटर था लैटिट्यूड 11.6 डिग्री नॉर्थ, लॉन्गिट्यूड 88.7 डिग्री ईस्ट। ये हमारा पूरी सिटी से साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में 960 किलोमीटर दूर में है। अभी जो फोरकास्ट है सिस्टम का, नॉर्थ वेस्टवर्ड मूवमेंट रहेगा और अगला 6 आवर्स में सीवियर साइक्लोनिक स्टर्म में इंटेंसिफाई होने का चांसेस है। फर्दर इसका मूवमेंट नॉर्थ वेस्टवर्ड ही रहेगा 10th इवनिंग तक और वेस्ट सेंट्रल एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में पहुंचने का चांसेस है उस समय में। फिर इसका रिकर्व होने का चांसेस है उसका बाद, नॉर्थ ईस्टवर्ड रिकर्व होकर के इसका मूवमेंट नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल ऑफ उड़ीसा कोस्ट का तरफ रहेगा। इसका प्रभाव में हमारा जो वेदर फोरकास्ट है इसमें 10th to 12th कोस्टल उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में हल्का से मध्यम बारिश मेनी प्लेसेस में रहने का चांसेस है। IMD पूर्व आकलन अनुसार ताहा उत्तर पूर्व को 10 तारीख अपराह्न बा संध्या पर्यंत आगेबो एवं तापरे 10 तारीख अपराह्न संध्या बेलकु ताहा उत्तर पूर्व दिगकु रिकर्व करिवो। ताबले डाहाण को टिके मोड़ी हबो एटा आकलन करा हेछि एवं ताहा मोड़ी हला परे ओडिशार उपकूल सह अलमोस्ट समांतराल भावे गति करिवो एवं जाई से नॉर्थ बे ऑफ बंगाल उत्तर